तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा होममेड प्रोटीन पाउडर बनाने का फॉर्मूला, जो बाजार में मिलने वाले किसी भी महंगे प्रोटीन पाउडर से किसी मामले में कम नहीं होगा। इसके पर स्कूप के अंदर होगा 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और इतना ही नहीं, ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होंगे। तो सब्सक्राइब कर दो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोस के अंदर आपको क्वालिटी एंड रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो सब्सक्राइब कर लो। देखो, अगर आप जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, बॉडी बनाना चाहते हो या फिर फिट रहना चाहते हो, तो आपकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, तो आपको लेना पड़ता प्रोटीन पाउडर। अगर आप महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहते, तो मैं आपको सस्ता प्रोटीन अल्टरनेटिव बताता हूं, वो है प्रोटीन एक्स। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो अगर आप थोड़े से पैसे लगाना चाहो। ये बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं अपने होममेड प्रोटीन पाउडर के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा होममेड प्रोटीन पाउडर बनाने के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, वो सभी आपके किचन में अवेलेबल होंगे। हमें प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला है चने का सत्तू, दूसरा है बादाम, तीसरा है मूंगफली, चौथा है ओट्स, पांचवें नंबर पर आता है कोको पाउडर, जो मैंने फ्लेवर के लिए लिया है। आप इसे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है चने का सत्तू। लेना कितना है? 100 ग्राम लेना है। इसके मैक्रोस जान लेते फटाफट। इसके अंदर टोटल कैलोरीज है 406, कार्बोहाइड्रेट्स है 65.2 ग्राम, प्रोटीन आ जाता 20.6 ग्राम, बहुत बढ़िया मात्रा में भाई। फैट आ जाता 7 ग्राम, जो कि हमें कम चाहिए, क्योंकि अगर फैट ज्यादा होगा तो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, वो हमें चाहिए नहीं। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट आ जाता है ओट्स। लेने कितने? 100 ग्राम ओट्स लेने हैं। इसके मैक्रोस जान ले। इसमें टोटल कैलोरीज है 389 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स है 66 ग्राम, प्रोटीन आ जाता है 17 ग्राम, काफी बढ़िया, और फैट्स है 7 ग्राम। तो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट आ जाता है बादाम। लेने कितने हैं? 25 ग्राम लेने हैं। इसके मैक्रोस जान लेते फटाफट। इसके अंदर टोटल कैलोरीज है 140 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं 7 ग्राम, प्रोटीन आ जाता है 7 ग्राम, फैट्स आ जाता है 12 ग्राम, जो कि हेल्दी फैट्स है, हमारे बॉडी को चाहिए। हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट्स आ जाता है पीनट्स, यानी मूंगफलियां। लेनी कितनी है? लेनी 25 ग्राम है। इसके मैक्रोस जान लेते फटाफट। इसके अंदर टोटल कैलोरीज है 96 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स है 3.5 ग्राम, प्रोटीन है 3.5 ग्राम, और फैट आ जाता है 8 ग्राम। हमारा फिफ्थ इंग्रेडिएंट आ जाता है कोको पाउडर, जो मैंने फ्लेवर के लिए यूज किया है। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये डालना कितना है? इसे डालना है 1 स्पून। अब फटाफट से जान लेते हैं इसे प्रिपेयर करने का राइट तरीका। अगर गलत तरीके से प्रिपेयर करोगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। तो मेरी बात सही से सुनो, ध्यान लगाओ। सबसे पहले मिक्सी के अंदर बादाम पीस लेने हैं, उसके बाद इसमें सिकी हुई मूंगफली डाल के उसको भी पीस लेना है। पहले बादाम और मूंगफली पीसनी है, उसके बाद उसमें ओट्स डालने हैं, फिर उनको पीसना है, और आखिर में डालना है सत्तू। सत्तू को फिर डाल के थोड़ा सा घुमाना है, और उसके अंदर फिर 1 चम्मच कोको पाउडर डाल के मिक्स करके किसी एयर टाइट डब्बे के अंदर बंद करके रख लेना, वरना खराब होने का खतरा रहता है। तो ये तो अब जान लो इसे लेना कब है। इसे सुबह आप लंच के बाद ले सकते हैं, शाम को वर्कआउट के पोस्ट वर्कआउट मील में इसको ले सकते हैं, या फिर जब भी आपका मन करे तब ले सकते हैं। तो ये वीडियो तो थी होममेड प्रोटीन पाउडर के ऊपर, पर मैंने आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, जो आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है, आप उसे अभी देख सकते हैं। तो ये वीडियो थी। जय हिंद, वंदे मातरम।